छत्तीसगढ़ में आज विष्णुदेव सरकार का पहला बजट पेश हुआ है, जिसमें मोदी की गारंटी की छाप दिखी है। अमृतकाल की नींव पर ग्रेट सीजे की थीम पर पेश किए गए इस बजट में गांव, गरीब, किसान, महिलाओं और युवाओं पर फोकस किया गया है। बजट के बाद वित्त मंत्री ओपी चौधरी से खास बात की न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल ने, देखिए। मंत्री ओपी चौधरी ने आज छत्तीसगढ़ सरकार का पहला बजट यहां पर पेश किया है। ओपी चौधरी जी, बजट आपने पेश किया है, क्या दिमाग में था इसको पेश करने से पहले, क्या टारगेट था? ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इन चारों समूहों को जो मोदी जी की विजन समाज को जिस रूप में देखती है उनके लिए समर्पण के साथ प्रावधान करना, हमारे जिससे अधिकाधिक ट्राइबल भाइयों को, अनुसूचित जाति के भाइयों को, सबको इसका लाभ मिलता है। जब इस विजन के साथ हम चलते हैं तो पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, सबको इसका बड़ा लाभ मिलता है। तो एक उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स लाना और दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के बेहतर भविष्य के लिए एक बड़ा सपना, एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके उसके लिए रणनीति तय करना, ताकि हमारी सरकार उस दिशा में लगातार प्रयास कर सके। ये मुख्य चुनौती के रूप में मैंने पिछले 1.5 महीने में काम किया और उसी अनुरूप विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमने बजट प्रस्तुत किया। मोदी की गारंटी भी क्या दिमाग में थी? निश्चित रूप से, जब हम बात करते हैं मैं ज्ञान की, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, अन्नदाता के लिए, नारी के लिए, तो इन सबके लिए मोदी की बड़ी बड़ी गारंटियाँ थी हमारे हमारे संकल्प पत्र में। तो उसको हमने सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सारी वेलफेयर स्कीम्स को भी लागू किया है और कैपेक्स में भी पिछले साल की तुलना में 20% की वृद्धि की है। पिछली सरकार के नेताओं का कहना है कि हमारी किसी भी स्कीम को बंद नहीं किया, मतलब वो अच्छा मान रहे थे। जो उन्होंने जहाँ पे गड़बड़ झाला किया है वो सब समाप्त प्राय हो रहे हैं, हो जाएंगे, और अगर कोई अच्छी चीज़ उन्होंने की होगी तो उसको हम कैरी फॉरवर्ड भी करेंगे, उसमें हमको कोई संकोच नहीं है। लेकिन उनके अधिकांश स्कीम घटिया थी, भ्रष्टाचार प्रेरित थी और अपने आप खत्म हो जाएंगे। आपको लगता है युवाओं और महिलाओं पे भी अच्छा खासा फोकस आप लोगों का था? इंफ्रास्ट्रक्चर जो पिछली सरकार की एक बड़ी कमजोरी थी, एक बैलेंस करने का हमने प्रयास किया, चाहे युवा भाई बहन हो, चाहे मातृशक्ति हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, उनके लिए वेलफेयर स्कीम लाना किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है, वो भी हमारा फोकस था। और साथ ही कैपेक्स को इंश्योर करना ताकि भविष्य का रास्ता आगे बढ़ सके, हमारी इकॉनमी ग्रो हो सके। इकॉनमी ग्रो होगी तभी हमारे पास ज़्यादा टैक्सेस आएंगे और ज़्यादा टैक्स आएंगे तभी हम गरीबों के लिए ज़्यादा वेलफेयर के, कल्याण के काम कर पाएंगे। तो इसलिए दोनों पे बैलेंस रख के काम करना हमारे लिए हमारी रणनीति थी और उसी दृष्टिकोण से हमने बजट प्रस्तुत। प्रशासनिक अनुभव कितना काम आया इसको बनाने में? हाँ, निश्चित रूप से IAS बहुत बड़ा एक्सपोजर देता है। आप एक छोटे से सब डिवीजन में सब मजिस्ट्रेट के रूप में भी काम करते हो और दिल्ली के संसद हो, चाहे मसूरी की एकेडमी हो, वहाँ देश और विदेश के बड़े बड़े संस्थानों से भी आप जुड़ते हो, तो ऊपर से नीचे तक का एक बड़ा एक्सपोजर IAS के माध्यम से मिलता है। और वहाँ से यात्रा स्विच करके मैं जब लोकतंत्र में आया तो मेरे मूल जीवन, मूल गांव से मेरा जो जुड़ाव है वो भी बहुत काम आया, प्रशासनिक अनुभव भी काम आया। मैंने अपने ज़िंदगी के पहले 18 साल एक छोटे से गाँव में बिताए हैं, वो भी अनुभव काफ़ी काम आता है। इसके बजट के बाद कुछ रिएक्शन आपके सीनियर्स की तरफ से? नहीं, एवरीबॉडी इज़ हैप्पी कि हमने एक बड़ा टास्क अपने हाथ में लिया है, बहुत बड़ा चैलेंज अपने हाथ में लिया है कि 5 साल के भीतर GDP को दुगना करना बहुत बड़ा टारगेट है, बहुत महत्वाकांक्षी टारगेट है। लेकिन विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में इस दिशा में हम लोग बहुत मेहनत करेंगे। आपके होम मिनिस्टर, आपकी वाइफ, उनसे कुछ रिएक्शन आया? ऐसी इज़ हैप्पी, मतलब उनको अच्छा लगता है। हाँ, उनको अच्छा लगता है। और बजट बढ़ाते समय और अभी हम लोग कई चर्चाएं करते थे तो सीज हैप्पी। तो वित्त मंत्री ओपी चौधरी हमारे साथ थे, पहला बजट आज उन्होंने पेश किया है और उनका मानना है कि सभी को इसमें समावेश करने की कोशिश थी। मोदी की गारंटी बहुत अहम है, महिला हो चाहे युवा हो, सब पे उनका फोकस था और सीनियर से अप्रिशिएशन मिला है और यहाँ तक कि उनकी अपनी वाइफ से भी उनको अप्रिशिएशन यहाँ पर मिला है। कैमरामैन इमरान के साथ अभिषेक शुक्ल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर।